साहब नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। नटेक्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नटेक्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नटेक्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नट में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पत्थर मारने पड़े, चाहे डंडे मारने पड़े, हम बैंड शाम नहीं खोलने देंगे इधर। हम नट में, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेले। हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमारी बात ना माने। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इस सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क करने लगाया है। हम कई बार चिल्ला रहे हैं, ये इतने सारे लोग, ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पे बैठकर एक आवाज उठा रहे हैं कि कोई हमारी आवाज सुनी। जो वाइन शॉप खुलने जा रही है नड में, ये नड के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये अपराध बढ़ाएगी, ये चोरियां बढ़ाएगी, ये डाके बढ़ाएगी और कई किस्म के जो है वो उपद्रव हमारे में फैला। अभी इसके बाद एक्साइज वालों को मिलेंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हम इसके विरोध में जो जहाँ तक हम जा सकते हैं वो जाएंगे। प्रोटेस्ट रहे, कोई ऐसा इस किस्म की गल नहीं करना चाहते, लेकिन जड़ी है शराब की दुकान सरकार खोल दी है, इसका विरोध हमेशा तो। इस समय हम सांबा के नड इलाके में मौजूद हैं और तमाम यहाँ नड के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। बताते चले कि नड के लिए भी एक वाइन शॉप सैंक्शन हुई है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 51 नई वाइन शॉप जो है वो खुलने जा रही है, जिसमें नड इलाका भी इंक्लूड है, और यहाँ पर भी एक वाइन शॉप खोली जा रही है, जिसके विरोध में आप देख रहे हैं कि तमाम महिला शक्ति यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ का यूथ मौजूद है और यहाँ के जो मोजिज लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर वाइन शॉप खोले जाने के विरोध में यहाँ तमाम नड की एकता जो वो इकट्ठा हुई है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है, एक्साइज विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि नड में वाइन शॉप नहीं खोलने देंगे, रोजगार के साधन दिए जाएं, लेकिन यहाँ पर शराब पिलाई जा रही है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम सांबा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर नड में जो वाइन शॉप खुलने जा रही है, जिसमें 51 नई वाइन शॉप का जो अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है कि जम्मू कश्मीर में नहीं खुलने जा रही है, क्या लगता है? एक तरफ रोजगार को लेकर लगातार सड़कों पर है युवा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जा रही है, इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि उनके इलाके में वाइन शॉप खुल रही है तो प्रदर्शन होता है। इससे पहले प्रशासन सरकारें क्यों संज्ञान नहीं ले रही? देखिए, जब वाइन शॉप के ऑर्डर न्यू एक्साइज पॉलिसी बनने लगी थी, उस दिन से हम लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कोई भी अगर न्यू ऑर्डर्स निकलते हैं उनके लिए ऑब्जेक्शन फाइल होती हैं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की पंचायतों को सशक्त करने के लिए, इंपावरमेंट करने के लिए, सरपंचों, पंचों, बीडीसी, डीडीसी को इंपावर करने के लिए जो पावर्स दी हैं, उनके मुताबिक हम सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन जो है पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी और जो मौजूद लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी ने अपने राइट टाइम पे ऑब्जेक्शन फाइल की। डीसी सांबा को ऑब्जेक्शन फाइल की गई थी, वहां से एक्साइज कमिश्नर को भेजी गई। सबसे बड़ी बात, अगर लोगों की रिजेंटमेंट है तो वाइन शॉप नहीं खोली जा सकती, ये जो नाम्स हैं उनमें क्लियर लिखा हुआ है। पहली ऑब्जेक्शन तब हमने फाइल की थी, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट चलते रहे। ये यहाँ की जितनी एजेंसीज हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने थे, उनके टेबल पर थे, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसका मतलब आम जनता सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी से कहीं ऊपर वो शराब के व्यापारी हैं। आज हमें देखने मिल रहा है कि हमारी सरकार निहत्थी है, उन सरकार जो ठेकेदार हैं, शराब बेचने वाले, नशा बेचने वाले, उनके आगे गोडे टेक रही है, इनसे उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। अगर लोग नहीं चाहते कि ये शराब की दुकानें खुले तो ये
ऑर्डर क्यों निकाले जा रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए नशा खत्म करने के लिए नए नए प्रोग्राम नई नई ऑर्डर्स बनाए जाते हैं और करोड़ों रुपए उस प्रोग्राम में खर्च किए जाते हैं। दूसरा जो रूप है गवर्नमेंट का कि जबरदस्ती यहाँ पे नशे के अड्डे खोले जा रहे हैं, वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। ये दो रुखा जो व्यवहार है इस गवर्नमेंट का, LGUT एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो शराब पिलाए, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेले, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो हमारी बात ना माने। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इस सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क करने लगाया है। हम कई बार चिल्ला रहे हैं, ये इतने सारे लोग, ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पे बैठकर एक आवाज उठा रहे हैं कि कोई हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे लोगों को ये रिलीफ दिया जाए अगर यहाँ पे वाइन शॉप खुलती है। पहले भी नशे से कई घर जो हैं वो उजड़ गए हैं, कई नौजवान बच्चे हमारे नशे की लत में लगकर अपनी जिंदगी गवा बैठे हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये सरकार नहीं मानी तो हम लोग कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे और तमाम ये जो महिला शक्ति आप देख रहे हैं, ये नड इलाके की महिला शक्ति है। अगर ये सड़कों पर आ गई तो जो वाइन शॉप यहाँ पर खुलने जा रही है उसको ताला भी जल्द लग जाएगा। दीदार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं, टीचर रिटायर हुए हैं। क्या लगता है, हम आज की जनरेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन है हमारी और कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर नशे में धकेलने का एक प्रयास कोशिश की जा रही है युवाओं को भी, और एक नया यहाँ पर सौगात जो गिफ्ट दे दिया गया कि वाइन शॉप खोली जा रही है यहाँ पर नड इलाके में। तो मेरा नाम दीदार सिंह है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और हमने ये तहिया किया हुआ है कि जो हमारे समाज में गलत काम होगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम समझते हैं कि ये जो वाइन शॉप खुलने जा रही है नड में, ये नड के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये अपराध बढ़ाएगी, ये चोरियां बढ़ाएगी, ये डाके बढ़ाएगी और कई किस्म के जो हैं वो उपद्रव हमारे में फैलाएगी। हम तहे दिल से इन लोगों के साथ चलकर इनकी राय के मुताबिक चाहते हैं कि ये वाइन शॉप जल्दी से पहले जो है वो बंद हो, क्योंकि एजुकेशन जो है उसके अवसर लिए जाएँ, अच्छे कोचिंग सेंटर खोले जाएँ, अच्छी लाइब्रेरी से खोली जाए, जैसे हमारे साथी बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खोले जाएँ, या हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ से डिग्री कॉलेज खोला जाए ताकि बच्चों को आने जाने में सुविधा रहे और यहाँ पर एजुकेशन हो जाए। हमें मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिले, हमें एग्रीकल्चर की फैसिलिटी मिले, क्योंकि हमारा इलाका जो कंडी एरिया है आप भी देख रहे हैं, किसान जो है वो बेचारे क्या कर रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है। आप कोई ट्यूबवेल लगाओ ऐसे इरीगेशन के, कोई डैम बढ़ाओ ताकि फसल को पानी लगे और किसानों की हालत बेहतर हो। ये कौन सा तरीका आ गया जो नया है कि भाई सरकार को पैसे चाहिए, लोग मरते हैं तो मरे। तो ये वाइन शॉप जो है ये हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए आ रही है, हम इसको बिल्कुल नहीं खुलने देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, नड के लोग लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन क्या एक टाक आपकी हो रही है प्रशासन के अगर एंड पर बात करें, क्या कुछ उनकी तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं कि वाकई में इसको हम नहीं खोलने देंगे? हाँ, इसमें हमने क्या किया कि लीगल तरीका अख्तियार किया है, जितने पंच सरपंच DD मेंबर BTC मेंबर है हमने उनकी राय के मुताबिक एजिटेशन स्टार्ट की है और हमने बाकायदा DC मैडम को ये रिटर्न में दिया है कि नड के लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को लिख दिया है। अब वहाँ क्या हुआ, क्यों ये बार बार आ रहे हैं कि कहीं वो ये दुकान देख रहे हैं, कहीं वो फीता मार रहे हैं, हम जहाँ खोलेंगे हम वहाँ खोलेंगे। तो हम अभी इसके बाद एक्साइज वालों को मिलेंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। हम इसके विरोध में जो जहाँ तक हम जा सकते हैं वो जाएंगे। यानी पूरी तरह से आप ये आप अख्तियार कर चुके हैं कि ये वाइन शॉप हम बिल्कुल भी नहीं खोलने देंगे? हाँ, हमारा तो यही है कि हम बिल्कुल नहीं खोलने देंगे, बिल्कुल। और पर तमाम आप देखने की ये जो आप एकता देख रहे हैं, ये एकता आज इकट्ठी हुई है। मैं महिला शक्ति से भी जानने का प्रयास करूंगा, क्या क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना। अच्छा, क्या कहेंगे आप तमाम महिला शक्तियां यहाँ इकट्ठा हुई हैं और एक वाइन शॉप खोली जा रही जो कि अभिशाप आप कह सकते हैं कि युवाओं के लिए, इससे क्राइम बढ़ेगा, घरों की हालत खराब होगी, लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीजें हैं, क्या लगता है
पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं और आज आपके नड इलाके में वाइन शॉप खुलने जा रही है? हाँ, नहीं खोलने देंगे ना हम वाइन शॉप नड में, नहीं खोलने, क्योंकि तरह तरह के गांव की दुनिया आएगी इधर, शराब पिएगी, बैठेगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, वो भी देखेंगे, हमारी बेटियां भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, हम नड में आते रहते हैं ना, तो इसलिए हम इधर खुलने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे पत्थर मारने पड़े, चाहे डंडे मारने पड़े, हम वाइन शॉप नहीं खोलने देंगे इधर, हम नड में, अपने नड में, हाँ अपना नड हम सेफ रखेंगे, अच्छा रहेगा, हमारे घर के पास हमारी मार्केट है, हम आते हैं इधर सामान लेने के लिए, आते हमारे बच्चे इधर आते हैं, ट्यूशनों के लिए आते हैं, स्कूलों में आते हैं, लेकिन हम वाइन शॉप नहीं खोलने देंगे, तो नहीं खोलने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। के ना थोड़ा? मेरे दर्शना देव। के आखना जानते हो थोड़े इत्थे वाइन शॉप खुला दी? नहीं खुलनी चाहिए। हाँ जी, नड च वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, तो नहीं खुलनी चाहिए, एदा बड़ा गंदा असर पौंदा है, एदे कन्ने कई घर बर्बाद होई जांदे न, छोटे बच्चे भी जड़ चीज नहीं, जड़ नहीं ले सकते नड दा, उन्हें भी खरीदनी है, और ये जड़े घरा पढ़ने आंदे उन्हें भी शायद नशाई होइए इत्थे गै पेई रोन, मां प्यो बड़ी मुश्किल कन्ने, हाँ बर्बाद होई जानी उंदियां जिंदगियां, और मैं ते आखनी जड़े पींदे न उन्हें भी छोड़नी चाहिए शराब, अगर सांभे जांदे न ते थोड़ा सोचदे न कि चल ठीक है हुण दूर है कौन जाए, अगर लागे होग ते उन्हें लोकें उन्हें दिखना गै नहीं, उन्हें आई गया ते फटाफट घर आंगर लेखा फटाफट लेइए पी लैनी, जेड़ा पहले एक पींदा होग उन्हें दो पीनी, उन्हें खर्चा दूना त्रूना हो जाना, बच्चे बर्बाद हो जाना, बच्चे हाँ जी नहीं खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए जी, नहीं खुलनी चाहिए। मेरे साथ एक यहाँ की छात्रा भी है, आपका क्या नाम? शिवाली। क्या कहेंगे आज आप तमाम आपके साथ जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, वाइन शॉप खुलने के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा जब ये वाइन शॉप यहाँ पर खुल जाएगी? इससे पहले भी कई जगह पर खुली है, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद भी खुली है, क्या कहेंगे, क्या प्रशासन को सरकारों को स्टेप्स उठाने चाहिए कि ये वाइन शॉप ना खुले यहाँ? जैसे कि आप सभी देख रहे होगी हमारे नड में शराब खुलने का जो भी है वाइन शॉप खुल रही है, अगर ये खुलेगी तो लोग नशा नुशा करेंगे, और हमारे साथ ही एक स्कूल है, 3-4 स्कूल हैं, और जिससे लड़कियों पे बहुत सारे मतलब फेयर्स हो सकते हैं, और लड़कियों को बहुत सारा मतलब इन सबसे झेलना पड़ेगा इन सबको, और जस्ट यही चाहते हैं कि हमारे इधर शॉप नहीं खुलनी चाहिए, और इससे हमारे जो भी हैं युवा पीढ़ी इनको भी बहुत सारा असर होगा, जो छोटे छोटे लड़के हैं ज़्यादातर की, वो बड़ों को देखकर यही सीखेंगे कि बड़े पी रहे हैं और हम भी पियेंगे, वो इन सबको देखकर इन सबको ही देखकर अपने आप को बदलेंगे, अगर वो पी रहे हैं वो सोचेंगे हम भी पियेंगे, अभी तो वो कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं, फिर उनको देख देख कर वो बियर भी पीना स्टार्ट कर देंगे, बस यही चाहते हैं कि इसलिए नहीं खुलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं, जिसमें महिला शक्ति की बात करें, पुरुषों की बात करें, तमाम स्कूली बच्चों की बात करें, ये युवा जो पीढ़ी आप पीछे देख रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पर वाइन शॉप हम नहीं खुलने देंगे, जिसको लेकर तमाम पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और प्रशासन को एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर ये वाइन शॉप यहाँ पर खुलती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, जो कि विरोध लगातार जारी है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन तक लगातार ये अप्रोच कर रहे हैं, लगातार इनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं, और ये भी आश्वासन दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं खुलेगी, लेकिन ये भी हमें पता चल रहा है कि जगह भी आइडेंटिफाई हो चुकी है, अगर ये खुलती है तो अगर महिला शक्ति सड़कों पर आ गई तो उस वाइन शॉप को बंद करके ही महिला शक्ति घर वापस जाएगी। ये तमाम आप महिला शक्ति की जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं ना, इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, और इससे पहले भी जब भी इस तरह की कुरीतियां सामने आई है समाज में तो महिला शक्ति ने उसका पुरजोर विरोध किया है। तो मैं आखिर में जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ये संदेश सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप भी तमाम सबके साथ बैठे हुए, तो आखिर में दो शब्दों में क्या कहेंगे कि प्रशासन के कानों में तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जहां पे आए हैं और हमारा साथ दिया, जहां के लोग काफी दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस पहाड़ी इलाके में ब्लॉक नड में जो वाइन शॉप खुले, क्योंकि सिवाय वाइन शॉप के बजाय हमें एक डिग्री कॉलेज दे दे, हमें इंस्टीट्यूट दे दे टेक्निकल, जहां से हमारे बच्चे ट्रेनिंग लें, अच्छी सुविधा हॉस्पिटल की दे दें, आगे ही जो नशे की ओर में जो लोग जूझ रहे हैं और हमें नशा दे जा रही है सरकार, हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, नाट के लोग जितने भी बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान बच्चे, ये अपील करना चाहते हैं कि नाट में वाइन शॉप नहीं खुलेगी, नहीं खुलने देंगे, जो भी होगा देखेंगे, हम फेस करेंगे, नाट में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। क्या कहेंगे आप भी? सर हम नाट में वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, हमें जब से पता चला कि नड में वाइन शॉप का नाम आ रहा है हम उसी दिन से रोड पर आना शुरू हो गए हैं, मीटिंग हमारी चल रही है, लोगों से मिलना शुरू हो गया, और आज
आज हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, इतनी हमारे पास दुनिया आ गई है, सभी बोल रहे हैं कि बैंड शॉप नहीं खुलनी चाहिए। और मैं SSP सांबा, SHO सांबा से अपील करूंगा कि जो जो नट में बेचते हैं ब्लैक, उन पर भी सख्त से वो करें कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब कितनी जल्दी ये वाइन शॉप बंद होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला पिछले कई दिनों से नड में लगातार जारी है, और नड के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि युवा पीढ़ी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर बड़े पी रहे हैं तो ये छोटे भी पियेंगे, और फिर घरों में क्या हालत होती है ये आप पहले भी देख चुके हैं। लेकिन आज नड की एकता, नड के लोग आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर वाइन शॉप खुलेगी तो इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या वाकई में ये बंद होती है या नहीं। अगर खुलती है तो महिला शक्ति इस वाइन शॉप को बंद करवाएगी। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, JK मीडिया।